खत्म हो चुका है, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जो कि होने वाला है रॉ का सीजन प्रीमियर, जहां पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, ब्लड लाइन देखने को मिलने वाली है, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कंफर्म कर दी है इस वीक के रॉ के लिए, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। अब जैसा कि आप सब जानते हो, सेथ रॉलिंस का मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में भी देखने को मिला था, जहां पर उनकी हार हुई थी रिडल के अगेंस्ट एंड उन्होंने टैप आउट किया। और आप सबको बता दूं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP एंड बैनर वगैरह सारा कुछ ब्लैक कर दिया। लिव मॉर्गन ने भी सेम थिंग करी है। अब देखकर तो यही लग रहा है सेथ रॉलिंस के साथ शायद से कुछ नया होने वाला, यानी कि उनका हमें कोई न्यू कैरेक्टर आते हुए दिख सकता है। और बात रही इस वीक के रॉ में होने वाले चैंपियनशिप मैच की, देन अगर सेथ रॉलिंस इस मैच को हार जाते हैं तो जरूर से सेथ रॉलिंस का वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है भले ही बॉबी लेस्ली को WWE कितना ही तगड़ा बुक करी हो, लेकिन इस वीक के रॉ में आप सबको न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और अगर इस वीक के रॉ में भी सेथ रॉलिंस हार जाते तो समझ जाओ सेथ रॉलिंस के साथ जरूर से कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे स्पेशली आपकी प्रेडिक्शन क्या कुछ रहने वाली है इस मैच को लेकर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है डी जनरेशन एक्स को, वो हमें रॉ में देखने को मिलने वाले अपने 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप सब जानते हो DX रॉ में जब भी आते हैं उनकी हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलती है, ऐसा ही कुछ आप सब इस वीक के रॉ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उनका सेगमेंट किसके साथ हो सकता है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच जॉनी गार्गानो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। जैसा कि इन दोनों की फ्यूड काफी टाइम से चल रही है और फाइनली जाकर इस वीक के रॉ में इनका सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं बात कर ली जाए कि यहाँ पर जीत किसकी हो सकती है, देन विंस मैकमैन के जाने के बाद से थ्योरी का पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया, इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पर जॉनी गार्गानो हराने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए एक सरप्राइज के बारे में, जो कि हमें WWE देते हुए दिख सकती है इस वीक के रॉ में, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। देन अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही है अपडेट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अक्टूबर में होने वाला है एंड वो पार्ट रहने वाले हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल पे पर व्यू का। यानी कि अगर ऐसा होने वाला है देन काफी ज्यादा चांसेस है कि एक दो वीक के अंदर ही आप सबको ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वहीं इस वीक का रॉ होने वाला है रॉ का सीजन प्रीमियर, देन इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाने का। और आप सबको पता ही है उनका एंड बॉबी लेस्ली का मैच हमें क्राउन जूल पेपर व्यू में देखने को मिल सकता है, ऐसे रूमर्स काफी पहले से आ रहे। भले डैनियल कॉर्मियर के रिटर्न के बाद डैनियल कॉर्मियर के थोड़े बहुत चांसेस लगने लगे थे, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि डैनियल कॉर्मियर अभी WWE में रेगुलर रहने वाले। उन्हें पॉसिबली WWE ने वन टाइम के लिए बुक किया था फाइट पिट मैच के लिए। सो लेट्स सी कि क्या इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। और अगर देखने को मिलता है देन क्या उनकी फ्यूड हमें बॉबी लेस्ली के साथ देखने को मिलती है या फिर किसी और सुपरस्टार के साथ। वैसे अगर ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल पेपर व्यू का पार्ट होते हैं देन आप उनका मैच वहां पर किसके साथ देखना चाहते हो, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, तो जैसा कि उनकी लॉस हो चुकी है फिन बैलर के अगेंस्ट एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में, जहां पर बेथ फिनिक्स की वजह से आई क्विट बोल देते हैं एज। सो देखकर लग रहा है अभी भी इनकी फ्यूड खत्म नहीं हुई है एंड मे बी हमें एक मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है क्राउन जूल के पेपर व्यू में, जहां पर एज के साथ बेथ फिनिक्स, रे मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स हो और उनके अगेंस्ट हो जजमेंट डे। एंड इसके बाद फाइनली जिस चीज को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन हमें रॉ में आते हुए दिखने वाली है। देन जैसा कि आप सब जानते हो रोमन रेंस हमें रॉ में काफी कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ ऐसी अपडेट है कि अक्टूबर मंथ में वो हमें एक और बार रॉ में देखने को मिलने वाले, इस वीक के रॉ में तो देखने को मिलने वाले है। वहीं बात कर लीजिए कि उनका रोल क्या कुछ हो सकता है इस वीक के रॉ में, तो फ्यूड तो उनकी लोगन पॉल के साथ चल रही है, बट लोगन पॉल एंड रोमन रेंस तो भाई दो दिन पहले स्मैकडाउन में आमने सामने आ चुके हैं एंड ज्यादा कुछ बहस वगैरह भी नहीं हुई कि लोगन पॉल अटैक करने के लिए ढूंढे रोमन रेंस को, इसलिए इस वीक के रॉ में मे बी आप सबको रोमन रेंस एंड लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि कुछ और ही सेगमेंट देखने को मिलने वाला है ब्लड लाइन का। वही मैंने आप सबको बताया था कि DX आ रही है इस वीक के रॉ में, तो मे बी हो सकता है DX का सेगमेंट हमें कुछ देखने को मिल जाए ब्लड लाइन के साथ, बिकॉज WWE रॉ के वीडियो पैकेज में ब्लड लाइन एंड DX को एक साथ कर रही है एडवर्टाइज। वहीं एक और काफी बड़ा रीजन हो सकता है रोमन रेंस के रॉ पे आने का कि उनकी फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिखे ब्रे वाइट के साथ। अब अगर आप सबने मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी देन मैंने आप सबको बताया था
होगा। अगर ब्रे वाइट की फ्यूड सेथ रॉलिंस एज जजमेंट डे या फिर ड्रू मैकइंटायर कैरियन क्रॉस वगैरह के साथ देखने को मिलने वाली होती, देन वो एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू में ही उन पर अटैक कर देते। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और आप सब जानते हो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू से एक ही काफी बड़ा सुपरस्टार मिसिंग था, वो है रोमन रेंस। तो मे भी हो सकता है ब्रे वाइट अपना पहला टारगेट हमें रोमन रेंस को ही बनाते हुए दिख जाए। और ब्रे वाइट हमें एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में देखने को मिले तो चांसेस काफी ज्यादा है वो आप सबको रॉ में देखने को मिलने वाला है। तो क्या पता इस बार वो हमें रिंग में देखने को मिल जाए रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन पर अटैक करते हुए। सो गाइस, आप सब कह सकते हो इस वीक का रॉ जरूर से काफी बड़ा शो होने वाला, हमें कुछ सरप्राइज वगैरह भी मिलते हुए दिख सकता है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। खत्म हो चुका है बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जो कि होने वाला है रॉ का सीजन प्रीमियर, जहां पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, ब्लड लाइन देखने को मिलने वाली है, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कंफर्म कर दी है इस वीक के रॉ के लिए, वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। अब जैसा कि आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस का मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में भी देखने को मिला था, जहां पर उनकी हार हुई थी रिडल के अगेंस्ट एंड उन्होंने टैप आउट किया। और आप सबको बता दूं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की DP एंड बैनर वगैरह सारा कुछ ब्लैक कर दिया। लिव मॉर्गन ने भी सेम थिंग करी है। अब देखकर तो यही लग रहा है सेथ रॉलिंस के साथ शायद से कुछ नया होने वाला, यानी कि उनका हमें कोई न्यू कैरेक्टर आते हुए दिख सकता है। और बात रही इस वीक के रॉ में होने वाले चैंपियनशिप मैच की, देन अगर सेथ रॉलिंस इस मैच को हार जाते हैं तो जरूर से सेथ रॉलिंस का वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है भले ही बॉबी लेस्ली को WWE कितना ही तगड़ा बुक करी हो, लेकिन इस वीक के रॉ में आप सबको न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और अगर इस वीक के रॉ में भी सेथ रॉलिंस हार जाते हैं तो समझ जाओ सेथ रॉलिंस के साथ जरूर से कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे स्पेशली आपकी प्रेडिक्शन क्या कुछ रहने वाली है इस मैच को लेकर, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है D-Generation X को, वो हमें रॉ में देखने को मिलने वाले अपने 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप सब जानते हो DX रॉ में जब भी आते हैं उनकी हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलती है, ऐसा ही कुछ आप सब इस वीक के रॉ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उनका सेगमेंट किसके साथ हो सकता है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच जॉनी गार्गानो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। जैसा कि इन दोनों की फ्यूड काफी टाइम से चल रही है और फाइनली जाकर इस वीक के रॉ में इनका सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलने वाला है। वही बात कर ली जाए कि यहाँ पर जीत किसकी हो सकती है, देन विंस मैकमैन के जाने के बाद से थ्योरी का पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया है, इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पर जॉनी गार्गानो हराने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए एक सरप्राइज के बारे में, जो कि हमें WWE देते हुए दिख सकती है इस वीक के रॉ में, वो है दी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। देन अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही है अपडेट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अक्टूबर में होने वाला है एंड वो पार्ट रहने वाले हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल पे पर व्यू का। यानी कि अगर ऐसा होने वाला है देन काफी ज्यादा चांसेस है कि एक दो वीक के अंदर ही आप सबको ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वहीं इस वीक का रॉ होने वाला है रॉ का सीजन प्रीमियर, देन इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाने का। और आप सबको पता ही है उनका एंड बॉबी लेस्ली का मैच हमें क्राउन जूल पेपरव्यू में देखने को मिल सकता है, ऐसे रूमर्स काफी पहले से आ रहे। भले डैनियल कॉर्मियर के रिटर्न के बाद डैनियल कॉर्मियर के थोड़े बहुत चांसेस लगने लगे थे, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि डैनियल कॉर्मियर अभी WWE में रेगुलर रहने वाले। उन्हें पॉसिबली WWE ने वन टाइम के लिए बुक किया था फाइट पिट मैच के लिए। सो लेट्स सी कि क्या इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। और अगर देखने को मिलता है देन क्या उनकी फ्यूड हमें बॉबी लेस्ली के साथ देखने को मिलती है या फिर किसी और सुपरस्टार के साथ। वैसे अगर ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल पेपरव्यू का पार्ट होते हैं देन आप उनका मैच वहां पर किसके साथ देखना चाहते हो, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, तो जैसा कि उनकी लॉस हो चुकी है फिन बैलर के अगेंस्ट एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में, जहां पर बेथ फिनिक्स की वजह से आई क्विट बोल देते हैं एज। सो देखकर लग रहा है अभी भी इनकी फ्यूड खत्म नहीं हुई है एंड मे बी हमें एक मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है क्राउन जूल के पेपरव्यू में, जहां पर एज के साथ बेथ फिनिक्स, रे मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स हो और उनके अगेंस्ट हो जजमेंट डे। एंड इसके बाद फाइनली जिस चीज को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन हमें रॉ में आते हुए दिखने वाली है। देन जैसा कि आप सब जानते हो रोमन रेंस हमें रॉ में काफी कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ ऐसी अपडेट है कि अक्टूबर मंथ में वो हमें एक और बार रॉ में देखने को मिलने वाले, इस वीक के रॉ में तो देखने को मिलने वाले है। वहीं बात कर लीजिए कि उनका रोल क्या कुछ हो सकता है इस वीक के रॉ में, तो फ्यूड तो उनकी लोगन पॉल के साथ चल रही है, बट लोगन पॉल एंड रोमन रेंस तो भाई दो दिन पहले स्मैकडाउन में आमने सामने आ चुके हैं एंड ज्यादा कुछ बहस वगैरह भी नहीं हुई कि लोगन पॉल अटैक करने के लिए ढूंढे रोमन
रोमन रेंस को, इसलिए इस वीक के रॉ में भी आप सबको रोमन रेंस एंड लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि कुछ और ही सेगमेंट देखने को मिलने वाला है ब्लड लाइन का। वही मैंने आप सबको बताया था कि डीएक्स आ रही है इस वीक के रॉ में, तो मे भी हो सकता है डीएक्स का सेगमेंट हमें कुछ देखने को मिल जाए ब्लड लाइन के साथ, बिकॉज WWE रॉ की वीडियो पैकेज में ब्लड लाइन एंड डीएक्स को एक साथ कर रही है एडवर्टाइज। वही एक और काफी बड़ा रीजन हो सकता है रोमन रेंस के रॉ पे आने का कि उनकी फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिखे ब्रे वाइट के साथ। अब अगर आप सबने मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी देन मैंने आप सबको बताया था अगर ब्रे वाइट की फ्यूड सेथ रॉलिंस एज जजमेंट डे या फिर ड्रू मैकइंटायर कैरियन क्रॉस वगैरह के साथ देखने को मिलने वाली होती देन वो एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू में ही उन पर अटैक कर देते, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और आप सब जानते हो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू से एक ही काफी बड़ा सुपरस्टार मिसिंग था, वो है रोमन रेंस। तो मे भी हो सकता है ब्रे वाइट अपना पहला टारगेट हमें रोमन रेंस को ही बनाते हुए दिख जाए और ब्रे वाइट हमें एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में देखने को मिले तो चांसेस काफी ज्यादा है वो आप सबको रॉ में देखने को मिलने वाला है। तो क्या पता इस बार वो हमें रिंग में देखने को मिल जाए रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन पर अटैक करते हुए। सो गाइस आप सब कह सकते हो इस वीक का रॉ जरूर से काफी बड़ा शो होने वाला, हमें कुछ सरप्राइज वगैरह भी मिलते हुए दिख सकता है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। खत्म हो चुका है बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जो कि होने वाला है रॉ का सीजन प्रीमियर, जहां पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। चैंपियनशिप मैच